फिर और आपकी आई है बाल मुकुंद जी, उसके बाद में सूर्या मैथिल आपके पास आऊंगा। वो तस्वीर भी जरा टेलीविजन स्क्रीन पर रख दीजिए, क्योंकि उसकी भी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं बाल मुकुंद जी। हवा महल के रास्ते वाले इलाके में आप गए, वो भी एक बड़ी तस्वीर है। एक और तस्वीर सामने आ गई कि ये तस्वीर आप देखिए, जो गदा लेकर आप निकल गए कि नॉनवेज की दुकानों को हटा देंगे। सच्चाई जानने की आवश्यकता है। 5 साल से अधिकारियों को यह कहा जा रहा है कि साहब बिना लाइसेंस के अवैध बूचड़ खाने गली मोहल्ले हर कोने पे चल रहे हैं, इससे शिकायतें, माता बहने परेशान हैं, रोड पे कब्जाधारी बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, रोड बिल्कुल चलते में करने से वहां रोड पे कुत्ते बैठे होते हैं, कुत्ते अटैक करते हैं लोगों को, उससे नुकसान हुआ है। दूसरा, बहुत सारे लोग नॉनवेज नहीं खाते, नहीं देखते, उनका कहीं ना कहीं मन खराब होता है, तो वो चाहते हैं कि आप जो नियम है वो नियम अनुरूप अंदर करें। और कल मैंने अधिकारियों को कहा तो अधिकारियों ने कहा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सब नियम से चल रहा है। हम मौके पे जाके अधिकारी को बता के आए कि साहब ये नियम से चल रहा है, आप जांच करो, लाइसेंस मांगो, लाइसेंस मिला नहीं। दूसरी बात, आज आप दोनों नगर निगम में पता करो लाइसेंस के लिए कितनी अप्लाई आई है, मैं सही हूं कि झूठ हूं आपको पता चल जाएगा। नहीं नहीं बाल मुकुंद जी, वो सब ठीक है, वो आपकी बात सारी ठीक है। कांग्रेस कह रही है कि आप माहौल खराब कर रहे हैं, जुबेर खान ने यह बातचीत कही है, लेकिन एक चीज इस पर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा, लेकिन आपकी सरकार बन जाती, शपथ ग्रहण हो जाता, शासनादेश जारी कर देते, उसके बाद हटा देते जो अवैध मीट की दुकानें, अवैध बूचड़ खाने हैं, कौन रोकने वाला था? लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप खुद क्यों उतर गए सड़क पर? मेरे कार्यालय के ठीक सामने नॉनवेज का मार्केट सस्ता है, वहां से आने जाने वालों को परेशानी है, शिकायत है, और मैं आम नागरिक बनकर मैंने फोन किया है। आपने फोन में नहीं सुना होगा, एक विधायक बोल रहा हूं, मैंने कहा अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष, मैं एक आम कार्यकर्ता आपको बोल रहा हूं कि साहब आपको 5 साल से हम कह रहे हैं, आप सो रहे हो, आप कह रहे हो अवैध नहीं हो रहा, तो मौके पे आओ, जांच करो, अगर वो बिल्कुल नीतिगत हो रहा है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, और वो बिना लाइसेंस के अवैध रूप से बूचड़ खाने चल रहे हैं तो आप उन पे कार्रवाई करो। मेरा किसी मांस खाने वाले से विरोध नहीं है, मांस बनाओ, खाओ, उनका व्यापार है वो करो, मुझे कतई आपत्ति नहीं है, लेकिन अवैध रूप से जो शहर को खराब कर रहे हैं, वहां का माहौल खराब कर रहे हैं, वहां का जो छवि जाती है, फोटो खींचती है, पर्यटन लेके जाता है, तो वो तो कह रहे हैं कि आप माहौल खराब कर रहे हैं सड़क पर उतरकर इस तरीके से अधिकारियों को हड़का कर। रोड पे जाम लगा हुआ है साहब नॉनवेज की वजह से, आप मौके पे कैमरा लेके जाओ, और रामगंज बड़ी चौपड़ से रामगंज जो रामगढ़ से चार दरवाजा, रामगढ़ बोर्ड और करबला एरिया और हवा महल पूरा क्षेत्र में आप चेक करो, लाइन से हजारों की संख्या में रोड के ऊपर नॉनवेज बन रहा और बिक रहा है खुलेआम। ठीक, मंदिर जाने वालों का है। नहीं नहीं सारी बात आपकी ठीक है, मैं आ रहा हूं बाल मुकुंद जी आपके पास, सूर्या मैथिल एक टिप्पणी आपकी, फिर बाल मुकुंद जी आपके पास आ जाऊंगा मैं, कि ये जो दो तस्वीरें सामने आ गई, एक तो सुखदेव सिंह की इस तरीके से दिन दहाड़े हत्या, ये माहौल एक अलग बना हुआ है, बीजेपी के जुलूस पर कहीं उबलता पानी किसी ने फेंक दिया है, ये नतीजे आने के अगले दिन ये घटना हो रही है। अब एक तस्वीर और सामने आ गई, बाल मुकुंद जी पहुंच गए, लोग कह रहे हैं ये तो कॉपी करने में लगे हैं यूपी को। धन्यवाद राकेश भाई, पहले तो पूरे देश को और आपको भारत माता की जय वंदे मातरम। और क्यों नहीं होनी चाहिए कॉपी, क्यों नहीं होना चाहिए वैध कारोबार, अवैध कारोबार पे क्यों नहीं लगनी चाहिए लगाम? जैसा कि आचार्य श्री बोल रहे हैं कि भैया वहां पर अवैध दुकानें हैं, तो अवैध दुकानों को वैध कांग्रेसी सरकार ने कर रखा था। जो जिहादी चाहता था वो अपनी मनमानी करता था, कहीं पर भी खोल के बैठ जाता था कि यहाँ काटेंगे वहां काटेंगे। क्या कह रहे हैं आचार्य श्री? नहीं, आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। लाइसेंस मांगने वालों की बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ना तो कोई अवैध बूचड़खाना होगा, ना कोई अवैध जो है कि मांस की दुकान होगी, ना कोई अवैध कब्जा होगा, तो यही चीज राजस्थान में भी होनी चाहिए। सूर्या मैथिल जी, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद शासनादेश जारी किया था ना, तो लोग भी तो कह रहे हैं कि आप नहीं उतरते। राकेश भाई, जारी होता उसके बाद एक्शन हो जाता, कौन रोक रहा है? अब मुझे एक बात बताइए राकेश भाई, जिस कार्य की मांग लगातार आचार्य श्री पिछले 5 साल से कर रहे थे, जिस
अवैध जो बिजनेस है उसको रोकने की बात आचार्य जी कर रहे थे, उसी कड़ी के अंदर यदि उन्होंने एक बार फिर से अधिकारियों से बात की तो इसमें बुराई क्या है? क्या वो वहां पे पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके कि मैं विधायक हूं? नहीं, वो वहां पर केवल और केवल एक नागरिक की हैसियत से पहुंचे। और आपको मैं एक बात और बता देता हूं छोटी सी, ये जो गुगा मेड़ी जी की हत्या के ऊपर मैं टिप्पणी ये करना चाहता हूं कि आप जब देखेंगे जांच के अंदर जो अपराधी पकड़े जाएंगे उनकी जड़ें कहीं ना कहीं ये जो चुनाव हारे हैं उनसे जुड़ी हुई मिलेंगी आपको, क्योंकि जब तक वो इनके साथ थे तब तक वो अच्छे थे, और जैसे ही सत्ता से बाहर हुए तो ये कांड इन्होंने करा दिया। ये बहुत बड़ा मैं आपसे जो है खुलासा कर रहा हूं। मैं पूछ ही ले रहा हूं ना बाल मुकुंद जी, आपको भी लग रहा है सूर्या मैथिल ठीक कह रहे हैं क्या कि ये चुनाव में हार का आक्रोश हो सकता है, कोई एंगल इससे भी खुलकर सामने आ जाएगा? इन्होंने समाज सेवी को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? बिल्कुल, और नहीं दी तो राजनीतिक कोई ना कोई इनका राजनीतिक सोच थी इसलिए सिक्योरिटी नहीं दी पाई, और आज ये दुर्घटना घट गई तो जिम्मेदार भी यही है क्योंकि अभी तक सारी व्यवस्था इनके हाथ है, हम लोग नियम अनुरूप अभी आए नहीं है। आपने मुझे रोक दिया, आपने मुझे भी क्या कहा कि आप वहां जा नहीं सकते थे, एक आम नागरिक अखिल भारतीय संघ समिति का अध्यक्ष राजस्थान होने के नाते में मैं गया था, न कि विधायक होने के नाते गया था। ये प्रशासन, ये अधिकारी 5 साल से सो रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनके आकाओं के वजह से। ठीक है, ये थोड़े समय में बाल मुकुंद जी साफ भी हो जाएगी तस्वीर। सूर्या आप कुछ कह रहे हैं 20 सेकंड, फिर मैं विनोद बंसल जी आपके पास आ रहा हूं। आप जो ये देख रहे हैं ना खौफ, जो बेखौफ होकर ये गोलियां चलाई जा रही हैं, यही काम पिछले 5 साल तक राजस्थान में हुआ। आप कन्हैया लाल जी कहते, जैसे कि आचार्य श्री ने भी बोला कि उसने भी मांगी थी पुलिस से सुरक्षा, लेकिन पुलिस से सुरक्षा ना थी। विनोद जी क्या आप इसमें किसी तरीके की कोई पॉलिटिकल कनेक्शन आप भी देख रहे हैं? हार का आक्रोश आप भी देख रहे हैं, कन्हैया लाल का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से बेखौफ तब हुआ था ये भी बेखौफ मर्डर? देखिए कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा सबको पता है जी, इसमें कोई दोराय नहीं है कि हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करना और मुस्लिम आतंकवादी और जिहादियों को वो प्रोत्साहन देना, ये अवैध कारोबार के साथ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, उनसे पैसा वसूल करके और उनको अपना अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधना, ये कांग्रेस की कोई पुरानी कोई नई प्रवृत्ति नहीं है, ये बहुत पुरानी ये विरक्ति है। बेसिकली मैं कहना चाहता हूं कि देखिए पूज्य आचार्य जी ने जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि मैं सामान्य नागरिक के नाते गया था, मैं अपने अखिल भारतीय संत समिति के प्रतिनिधि के रूप में गया था। मैं कहता हूं अगर मुख्यमंत्री या अपना अपने विधायक के नाते भी जाते तो कौन रोकता भाई? क्यों नहीं जा सकते भाई? मुझे बताइए कि कोई व्यक्ति किसी भी कैपेसिटी में जाए गलत काम का कोई विरोध करना, इस देश के अंदर लोकतंत्र का हिस्सा है और उसको करना नहीं चाहिए विरोध, तो इसमें कोई दोराय नहीं है। और देखिए कांग्रेस अवैध व्यापार के पालन करने देखिए कांग्रेस की हमेशा से ये प्रवृत्ति रही है कि जो अवैध कारोबारियों को प्रोत्साहन दो, जिहादियों को बढ़ा चढ़ा के रखो और हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखो। ये हमने एक नहीं अनेक स्थान देखी, देखिए मेवात के अंदर देख लिया हमने अलवर के अंदर देख लिया, हमने करौली के अंदर देख लिया, हमने जोधपुर के अंदर देखा, हमने भीलवाड़ा के अंदर देखा, हमने बीकानेर के अंदर देखा। एक लंबी फहरिस्त है, अब तक ये 5 साल के इतिहास में 5 साल के सिर्फ शासन काल में कम से कम 150 से ज्यादा हिंदुओं की हत्याएं हो चुकी। ठीक राकेश जी, मैं तो ठीक है। एक आखिरी टिप्पणी बाल मुकुंद जी आपकी, आपने कहा कराची बनाकर रख दिया है, जिस प्रकार का गंदगी का माहौल और गली मोहल्ले हर चौराहे पर और पूरे परकोटे को देखने के लिए पूरा देशी विदेशी पर्यटक आता है और अध्यात्म पर्यटन भी आता है। छोटी काशी है यहाँ, राधा गोविंद देव तारकेश्वर हनुमान जी के प्राचीन मंदिर हैं, हजारों लाखों लोग दर्शन को आते हैं और हर जगह पर माहौल ये बना दिया कि चारों तरफ आप घूमकर देख लो, कैमरा ले जाओ, आज शाम को ही चले जाओ, हर एक कोने पे 2 दुकान 5 दुकान आगे रोड के ऊपर नॉन वेज का व्यापार सजा हुआ है।